प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल का आज जन्मदिन है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। वैसे तिलकवाड़ा में भी बच्चों को सुपोषित करने के आशय से सीआर पाटिल जी के जन्मदिन के मौके पर घर घर जाकर बच्चों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकरों की ओर से फल, चॉकलेट और दूध का वितरण किया गया। इस तरीके से तिलकवाड़ा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल जी का जन्मदिन मनाया गया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। शेर पाली तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। हमारा भारतीय जनता पार्टी ना गुजरात प्रदेश यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सी आर पाटिल साहेब ना जन्म दिवस निमित्ते हमें लोगों कोई केक के कोई बीजू करीने आ कार्यक्रम नहीं करता, परंतु सेवाकीय कार्यक्रम करी अने अमे लोको तिलवा तालुका भारतीय जनता पार्टी दरेक आंगणवाड़ी में जो कुपोषण बाळको छे तेओने आ बधुं वितरण करी अने तेओ सशक्त बने एवी आजना दिवसे अमे सीआर पाटिल साहेबना जन्मदिवस आ रीते उजवीए छे अने अमे तिलवा तालुको भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यकर्ताओ आदरणीय सीआर पाटिल साहेबने खूब सुधारे थाय स्वास्थ्य रहे अने कार्यकर्ताओं ने पहना सुख बनता रहे एवी शुभकामना पाठवे छे। अस्तु भारत माता की जय। आज गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ना प्रमुख आदरणीय सी आर पाटिल साहेब अने एमनो जन्मदिवस छे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जन्मदिवस केक कापीने के रंग रोगान करीने ए बधुं नथी उजवती, सेवाकीय प्रवृत्तिओ करी अने आ जन्मदिवस उजवामां आवे छे। आजे भारतीय जनता पार्टी तिलकवाड़ा तालुको पण तेओनो जन्मदिवस उजवी रह्यो छे। गुजरातमां केटलाक बाळको आंगणवाड़ीओमां कुपोषित ए आइडेंटिफाई करवामां आव्या छे अने ए बाळकोने होळी नजीक आवती होय तेओने खजूर, चणा, चीकी, दूध अने मग आ बधो सामान आजे એ કુપોષિત બાળકોના ઘેર એના વાલીને જઈને એ બાળકને સાથે રાખી આપણે બધા આપવાના છીએ। એક વિશિષ્ટ રીતે આ જન્મદિવસ ઉજવી રહ્યા છે આદરણીય સી આર પાટિલ સાહેબ। એમનું સ્વાસ્થ્ય દીર્ઘાયુ બને, ખૂબ સારું સ્વાસ્થ્ય રહે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને તેઓ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરે, તેઓ સુંદર કામ કરતા રહે એવી અમે શુભકામના પણ કરીએ છીએ। નમસ્કાર। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।